सो आज का वीडियो होने वाला है गाइस जीएनएम कोर्स के कॉलेजेस पे टॉप एंड बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं इंडिया में जिसमें जीएनएम कोर्स कराया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हर एक कॉलेजेस का गाइस हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर एंड एडमिशन प्रोसेस देखेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन होता है कि मेरिट बेस्ड होगा या इंट्रेंस आपको देना होगा, ये भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो जीएनएम कोर्स जो है गाइस ये एक डिप्लोमा कोर्स है, 3 इयर्स का कोर्स होता है, प्लस यहाँ पे 6 मंथ की इंटर्नशिप भी कराई जाती है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में गाइस 1 ईयर का कोर्स होता है और 6 मंथ की इंटर्नशिप कराई जाती है, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3 इयर्स का कोर्स होता है और 6 मंथ की इंटर्नशिप कराई जाती है। ये जीएनएम कोर्स जो गाइस बेसिकली किस पे फोकस किया जाता है, तो पेशेंट के केयर एंड ट्रीटमेंट पे फोकस किया जाता है कि किस तरह से आप पेशेंट की केयर कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो, इन सब चीज़ों की नॉलेज एंड स्किल्स प्रोवाइड की जाती है। तो गाइस इस कोर्स को साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट तो कर ही सकते हैं, प्लस यहाँ पे आर्ट्स एंड कॉमर्स या अदर फील्ड के स्टूडेंट भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलेज देखेंगे जो कि बहुत ही बेस्ट एंड गवर्नमेंट कॉलेज है। तो फर्स्ट कॉलेज है IPGMER, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कॉलेज जो है गाइस कोलकाता में है और ये कॉलेज एफिलेटेड है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलेटेड है। तो इस यूनिवर्सिटी से अगर आप कोर्स करना चाहते हो, जीएनएम कोर्स करना चाहते हो, तो इसमें आपको JNPAUH का इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसके थ्रू आप जो है इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और इस कॉलेज की जो फीस रहेगी 15,000 रहेगी, फर्स्ट ईयर की 15,000 रहेगी, और 50% आपके जो है 12th में होने चाहिए। अगर आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो 50% होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हो, तो बस यहाँ पे 50% आपसे मांगा जा रहा है। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज गाइस केरला में है, और इस कॉलेज से अगर आप जीएनएम कोर्स करते हो तो आपको यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो कि है KEAM का इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, और 12th पास आउट होना चाहिए। जिस भी स्ट्रीम से आप हो, 12th पास आउट होना चाहिए बस। और यहाँ पे आप फीस भी देख सकते हो गाइस, तो यहाँ जो है फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 4,790 एंड टोटल फीस रहेगी आपकी 14,370 अप्रोक्स, ये आपकी टोटल फीस रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये जो कॉलेज है गाइस ये पटना का कॉलेज है, और ये कॉलेज पॉपुलर एंड बेस्ट कॉलेज है। तो इस कॉलेज से अगर आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हो तो 12th में पीसीबी और स्ट्रीम होना चाहिए 45% के साथ, 45% जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, और 40% जो गाइस ये रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। और इसमें आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इस कॉलेज के लिए तो BCEC का इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इस इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और इस कॉलेज की जो फीस रहेगी फर्स्ट ईयर की फ़ीस रहेगी 24,000 एंड टोटल फीस रहेगी 54,000 अप्रोक्स, 54,000 जो है ये टोटल फीस आपकी रहेगी। और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, मेल कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट इरोड मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज गाइस तमिलनाडु में है, और ये एफिलेटेड है डॉक्टर NGR मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, जो कि चेन्नई में है। और इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है जीएनएम कोर्स के लिए तो 12th पास आउट होना चाहिए, जिस भी स्ट्रीम से आप हो मैटर नहीं करता। यहाँ पे जो गाइस जीएनएम कोर्स की जो सीट रहेगी वो 60 रहेगी, 60 सीट अवेलेबल है, और यहाँ पे फीस क्या रहेगा तो 15,000 फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी। और ये कॉलेज भी बेस्ट है गाइस, तो इस कॉलेज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट कॉलेज है गाइस TD मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज भी केरला में है, और इस कॉलेज के लिए अगर आप जीएनएम कोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो इसकी जो फीस रहेगी 60,000 रहेगी, फर्स्ट ईयर की फीस जो है 60,000 है। तो इस कॉलेज में गाइस फीस तो काफ़ी ज़्यादा है, बट ये कॉलेज भी बेस्ट है, तो इस कॉलेज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी 50% और 12th का, और जिस भी स्ट्रीम से आप हो कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC एंड ST कैंडिडेट को।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कॉलेज है बंकुरा समिलानी मेडिकल कॉलेज। तो इस कॉलेज में भी जीएनएम कोर्स है और इस कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो 40% होना चाहिए पीसीबी स्टूडेंट और साथ ही साथ यहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया की हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा, तो मेरिट लिस्ट निकलेगी देन यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। फीस की बात करें गाइस, तो 30,000 फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी। तो ये कॉलेज भी अच्छा है, इस कॉलेज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल। तो ये कॉलेज गाइस चंडीगढ़ में है और इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है जीएनएम कोर्स के लिए, तो इस कॉलेज की जो फीस रहेगी बहुत ही ज़्यादा है, टोटल फीस जो है 1,20,000 है। तो इस कॉलेज की फीस काफ़ी ज़्यादा है और इस कॉलेज में भी गाइस मेरिट बेस्ड पे ही एडमिशन होगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, तो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। तो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी बहुत ही पुराना यूनिवर्सिटी है और ये दिल्ली में ये यूनिवर्सिटी है। तो बहुत लोगों को गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मन होता है, तो इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो जीएनएम कोर्स के लिए। इस यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी वो 12th में 50% होना चाहिए और जिस भी स्ट्रीम से हो गाइस आप अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे फीस बहुत ही ज़्यादा है, तो जीएनएम कोर्स की जो फीस रहेगी, टोटल फीस रहेगी वो रहेगा 2,70,000। ये आपकी जो है टोटल फीस रहेगी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की फॉर जीएनएम कोर्स के लिए। नेक्स्ट है गाइस सेंट जॉनसन्स मेडिकल कॉलेज, जो कि बेंगलोर में है और ये कॉलेज भी बेस्ट कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। बट इस कॉलेज में भी अगेन फीस बहुत ही ज़्यादा है गाइस, तो फीस जो है टोटल फीस रहेगी 16,00,000 रहेगा फॉर जीएनएम कोर्स। तो इसमें जो आपकी एडमिशन होगा गाइस, तो वो सेंट जॉनसन्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम पे होगा, ठीक है। सेंट जॉनसन्स मेडिकल कॉलेज खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो उसके बेस पे जीएनएम कोर्स के लिए एडमिशन होता है, ठीक है। और 12th में 45% होने चाहिए पीसीबी स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ पे पीसीबी स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि भुवनेश्वर में है। तो इस कॉलेज में भी गाइस जीएनएम कोर्स है, तो इस कॉलेज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी वो रहेगा 55%, 12th में 55% होना चाहिए और पीसीबी वाले स्टूडेंट ही इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज में। और फीस की बात करें गाइस, तो 30,000 की फीस रहेगी, 30,000 फीस रहेगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो गाइस इन टॉप 10 एंड बेस्ट कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये था गाइस आज का वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है जीएनएम कोर्स से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए रिप्लाई करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।